बोलते हैं। सर देखिए, पहला बात तो जब मैं वहाँ से लॉकडाउन लगा तो मैं यहाँ आ गया घर पे। तो घर पे आया तो मैं 1-2 महीने तो रेस्ट में था, लेकिन मेरे अंदर में मतलब एक होता है ना क्षमता, मेरे अंदर क्षमता नहीं था कि मैं बैठ सकूँ। मुझे खेलना था क्रिकेट, तो उसके लिए मैं अपने गार्जियन पे प्रेशर दिया, लेकिन कुछ देर के लिए तो गार्जियन भी ना बोले, क्योंकि होता है कि गार्जियन ये ना बोलेंगे कि समाज क्या सोचेगा। बाहर में खेलते थे तब तक तो सब समाज को ये पता था कि हाँ खेलता चलो भाई, यहाँ पे दरवाजे पे पिच गिरा देना तो ये समाज में थोड़ा अलग ही मायने रखता है। तो पापा को बहुत बोले, तो भैया भी सपोर्ट किए, भैया भी बोले, मम्मी भी बोली, सब जितने भी थे मेरे रिलेशन में सब बोले कि खेलना चाहता है तो खेलाइए। तो पापा भी बोले चलो ठीक है खेलो, तो पिच बनवा दिए। लेकिन आदमी का सोच अब क्या किसके मन में चलता है ये तो नहीं बता सकता। कुछ आदमी पॉजिटिवली भी बोलते हैं कि बहुत अच्छा कर रहा है खेलो, सब सब चीज कर रहा है, तुम भी अलग चीज कर रहा है, तुम हम लोग का नाम रोशन करेगा, अच्छा खेलता है। तो वो आदमी पॉजिटिवली बोलते हैं जो कि मुझे देखते हैं खेलते हुए, क्योंकि गाँव सब में जो लोकल टूर्नामेंट होता है तो ये सब जितने भी लड़के हैं मेरे साथ के वो बोलते हैं चलो खेलने के लिए अतुल, तो हम जाते हैं वहाँ पे। तो बहुत सारे मैच है जो मैंने जिताया अपने दम पे, तो वहां से जो भी गार्जियन सब देखते हैं गाँव के वो बोलते हैं बहुत अच्छा कर रहा है खेलो, तुम भी एक दिन टीवी पे आओगे खेलोगे, जरूर खेलोगे। और कुछ आदमी है जो नेगेटिव सोच रहे हैं, तो आप क्या कर सकते हैं, लेकिन घर नहीं वालों सोचना के लिए चाहिए। कुछ कहना चाह रहे हैं? घर वालों के लिए तो मैं बोलने के लिए शब्द ही नहीं है, क्योंकि मुझे इतना सपोर्ट मिल रहा है, मेरे दरवाजे पे पिच बना ले, मुझे बाइक प्रोवाइड किया गया इसलिए कि मैं सहरसा जाके प्रैक्टिस कर सकूं। मेरे घर में बाइक वाइक नहीं था, लेकिन मुझे पापा ने, भैया ने, मम्मी सब बोली कि इसको बाइक दीजिए, घर से जाएगा प्रैक्टिस करने। क्योंकि यहाँ पे बेनिफिट क्या होता था, वहां भी प्रैक्टिस करते थे, यहाँ पे आने के बाद मुझे गांव का बच्चा जितना भी था वो भी सपोर्ट करता था, यहाँ भी 300-400 बॉल खेलते थे, वहां पे ट्रेनिंग मिल जाता था। तो उसके लिए मुझे बाइक प्रोवाइड किया गया। तो इसके लिए मैं गार्जियन सबके लिए तो कुछ बोलने के लिए शब्द ही नहीं है मेरे पास। आपके जिंदगी का कोई ऐसा पहलू जो आप ईटीवी भारत के दर्शकों को शेयर करना चाहते हो? सर मैं इतना ही बोलूंगा कि क्रिकेट एक जो है इंटरनेशनल लेवल पे खेलने के लिए जुनून चाहिए, और वो जुनून के लिए आपको पसीना बहाना पड़ेगा। तो पसीना के बिना जो है कुछ भी नहीं होता, पसीना बहाइए, मेहनत कीजिए, आगे क्या होगा नहीं होगा वो किस्मत पे है, आप अपना प्रैक्टिस कीजिए, किस्मत भी उसी के साथ देती है जो मेहनत करता है। तो पसीना बहाइए और खेलते रहिए, आज ना कल होगा। आपका बेटा क्रिकेट खेल रहा है, कैसा महसूस हो रहा है उसको खेलते हुए देखकर, और क्या है इसकी पूरी कहानी, कैसे क्रिकेट से जुड़ा और क्या है इस दौर में, कैसे कैसे आया? देखिए ऐसे तो हम इसको भेजे थे कोटा पढ़ने के लिए, अपने चॉइस से ही क्रिकेट चूज किया। एक साल बाद हमको पता चला जब जयपुर में 7 दिन मैच खेलाई तो हमको पता चला कि मैच खेल रहा है और अच्छा परफॉर्मेंस किया भी पता चला। तब से हम सोचे कि चलो भाई इसका इच्छा है मैच खेलने का, खिला देते हैं, जहाँ तक प्रयास है करते हैं, देखा जाएगा। उसके लायक तो हम नहीं हैं लेकिन प्रयास करते हैं, और बच्चा का जुनून जो है बहुत अच्छा दिखाई दे रहा है। तो कोटा में हुआ क्या, वहाँ से चला आया, कोटा से रिटर्न हो गया, बोला वहाँ पर कि जाओ जिला से खेलना, अपने जिला से। पटना में कुछ दिन रखे, वहाँ पर कौन सर था उसका नाम भूल गए, अमी कर दिया, वहाँ पर कुछ दिन खेला। तो लॉकडाउन लग गया, लॉकडाउन लग गया तो घर चला आया, यहाँ पे पिच बनवा दिए, 40-50 हज़ार खर्चा किए, नेट तो 2 बार लगवाए, दूसरा नेट, कहीं बॉलिंग करता है बैटिंग करता है, यहाँ बैठ के हम देखते रहते हैं, इसमें बहुत आनंद मिलता है। इसके चलते कुछ निजी संपत्ति हम खो दिए, अगर उधर उधर नज़र देते हैं
तो थोड़ा दिक्कत होता है, लेकिन इस पर नज़र देते हैं बहुत आनंद मिलता है। चलो कोई बात नहीं, इसी का संपत्ति है, इसी के ऊपर लगा देते हैं। भगवान करे कोई न कोई होगा दया करने वाला, निकल जाए। पटना से भी रिटर्न हुआ, उस दिन से यहीं में खेल रहा है। आस पड़ोस के बच्चे सब बहुत मदद कर रहे हैं इसका, और कुछ लोग यहाँ पर कमेंट भी करते हैं। ऐसा भी है कि रामचंद्र पागले हो गया है, खेल के पीछे अपने बच्चा के पीछे पूरा संपत्ति बर्बाद कर रहा है। हम उस सब पर ध्यान नहीं देते। चलो भाई, जिसको जो बोलना है बोल रहा है, हम अपने काम में लगे हैं, इसका इच्छा का पूर्ति हम कर रहे हैं, अभी तक कर रहे हैं। भगवान जाने क्या होता है, देखने में तो अच्छा लगता है कि अच्छा है, इसका उछल कूद सब चीज़ अच्छा लग रहा है। और जहाँ जाता है खेलने के लिए, वहाँ से अच्छा परफॉर्मेंस बना के लाता है। हर जगह देखते हैं, कोई न कोई बच्चा हमको आकर के कह देता है कि ने अच्छा खेला अतुल, हमको बड़ा आनंद होता है। चलो भाई ठीक है, प्रयास करते हैं। जब इसका रिटर्निंग का समय आ जाता है, रिटर्न हो जाता है वहाँ से, तब हमको असंतोष हो जाता है, क्या होता है, हो रहा है। ठीक है, प्रयास करते हैं, कोई न कोई होगा इसमें जो नज़र डालेगा। हमको पूर्ण विश्वास है कि निश्चित रूप से ये आगे निकलेगा। Hey there. जहां तक Subscribe to my channel. And also press this bell icon. क्या नाम हुआ आपका? रामचंद्र यादव।